दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीर सिंह उस्ताद मैकेनिक। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि अगर आपकी गाड़ी टू व्हीलर स्टार्टिंग लेट करता है, गाड़ी रुक रुक के चलती है, जैसे थोड़ी दूर जाते हैं उसके बाद रुक के चलती है, या सुबह सुबह स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, या एक दो दिन के बाद स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये आपके सामने एक्टिवा गाड़ी है, एक्टिवा 125 है, ये कोई सी भी हो सकती है, हीरो की हो सकती है, BS4 जो गाड़ी है, या स्कूटी हो सकती है, या बजाज की प्लेटना वगैरह जो भी हो सकती है, पल्सर हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। तो होता क्या है कि अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सर्दियों में बहुत दिक्कत देती है, गर्मियों में देती है लेकिन गर्मियों में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो अभी भी देख पा रहे हैं कि ये गाड़ी को ये हमने सेल्फ मार मार के, और इसकी बैटरी भी देख पा रहे हैं कि अगर हम सेल्फ मारते तो एक बार सिर्फ खट की आवाज़ आती है, बैटरी भी डाउन हो चुकी है इसकी, और एक एक मार मार के भी परेशान हो चुके हैं। एक बार दिखाऊंगा मैं आपको, बस इसकी कोई स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी बहुत काफ़ी टाइम हो गया किक मारते हुए लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो करना क्या है आइए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी बॉडी को खोलना है और इसका बॉडी खोलने के बाद में अभी दिखाते हैं क्या क्या करना है। दोस्तों इसकी हमने बॉडी खोल ली है और आप देख पा रहे हैं कि अंदर वैसे भी इसका बहुत बुरा हाल है, डस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करना है, इसका हमें प्लग और कार्बोरेटर दोनों बाहर निकाल लेने हैं, का कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, इसका कार्बोरेटर खोल लेंगे, कार्बोरेटर बाहर निकालेंगे, और इसका जो करंट होता है वो भी ज़रूर चेक कर लेंगे, प्लग जरूर चेक करेंगे और कार्बोरेटर बाहर निकाल के एक बार इसको वॉश करेंगे। तो दोस्तों इसका हमने कार्बोरेटर बाहर निकाल लिया है, ये देखो वैसे भी बहुत हालत इसकी ख़राब है, काफ़ी दिन से इसका क्लीन भी नहीं हुआ है, कई साल से लगता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो इसको कार्बोरेटर को तो वॉश करेंगे, ऊपर से प्लग स्पार्क प्लग खोला है तो स्पार्क प्लग की भी हालत आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है, यानी कि माइलेज है या नहीं, बिल्कुल भी इसमें माइलेज नहीं दे रहा होगा इस पोजिशन में। एक बार करंट चेक करेंगे इसका, करंट बराबर है इसमें, और एक बार प्लग भी चेक कर लेते हैं सीट लगे हाथ, देखते हैं प्लग एक बार इसमें डॉक्टर में लगाने के बाद में इसको प्लग जैसे लगाते हैं, फिर बॉडी पे टच करना है, यहाँ से पकड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख पा रहे हैं यानी प्लग बराबर करंट दे रहा है, प्लग बराबर करंट दे रहा, प्लग ठीक है। तो उसको कार्बोरेटर को क्लीन करेंगे, अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। ये कार्बोरेटर पूरा खोल लिया हमने, और एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए हमेशा, कोई सी भी गाड़ी का जब कार्बोरेटर खोलते हैं स्टार्टिंग के लिए या वैसे भी कभी खोलते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, ये चौक का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपकी चौक काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर चौक प्रॉपर काम नहीं करती है आपकी गाड़ी की तो चौक का सोल्यूशन जरूर कर दें, क्योंकि चौक अगर चालू नहीं रहेगी तो आपको सर्दियों में मॉर्निंग में बहुत दिक्कत रहेगी। कई भाई ये भी कहते हैं कि एक्टिवा का कार्बोरेटर अगर चौक खराब हो गई तो कार्बोरेटर नया डलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने दूसरी वीडियो में दे रखा है कि एक्टिवा की चौक को हम कैसे ठीक करें। इसकी तो काम कर रही है, ये देख पा रहे हैं आप इसकी प्लेट चल रही है, तो इसकी चौक काम कर रही है, लेकिन जिसकी नहीं करे तो उसके लिए भी हमने वीडियो दे रखी है कि एक्टिवा की चौक कैसे ठीक करें। भाई इसको साफ कर लेते हैं अच्छी तरह, बढ़िया से साफ करना है,
और कार्बोरेटर साफ करते टाइम एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इसके होल है चारों तरफ देख पा रहे हैं जैसे ये है, और इसके एक्टिवा में एक यहाँ इस जगह पे होता है जहाँ मैं उंगली दिखाऊंगा, इसके यहाँ साइड में होल होता है, इसमें नहीं देख पाओगे आप, वो जो कि कार्बन जो होता है धुआं जो होता है उसके कारण जो कार्बन बनता है उससे क्या होता है वो बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा जो साइड में होता है इसमें टूथब्रश वाला जो होता है ब्रश उसके से ज़रा ढंग से साफ करना चाहिए, इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ करना चाहिए ताकि वो होल बिल्कुल साफ हो जाए। कई भाई क्या करते हैं ऊपर ऊपर से साफ करते थे लेकिन अंदर से साफ नहीं करते, लेकिन अंदर से बहुत जरूरी साफ है, बाहर का तो कोई इतना जरूरी नहीं है, कुछ छूट जाएगा तो हालांकि बाहर से भी पूरा होना चाहिए लेकिन अंदर से बहुत जरूरी है, अंदर से एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए। ये कार्बोरेटर साफ हो गया, अब मैं दिखाऊंगा ये होल की बात कर रहा था मैं, सामने आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा बीच में, ये सामने होल नजर आ रहा है अंदर की साइड है, जबकि ये जब इसमें कार्बन जमा हुआ था तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। इन छोटी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और कई बार वीडियो भी देखते हैं तो स्किप कर करके देखते हैं तो उससे पूरी बात समझ में आती नहीं है कि आखिर इसमें वीडियो में बताया क्या है, तो इसको अच्छी तरह हवा मार के अच्छी तरह बढ़िया से इसको फिट करेंगे और फिर लगाएंगे, फिर करेंगे इसकी सेटिंग, क्योंकि जो हमने यहाँ का काम करना था वो ये कर दिया, जो वॉश करना था सारी चीज चेक करनी थी वो कर ली, अब बात आती है कि इसको फिट करके वहाँ सेट करना है, उसके बाद में इसकी सेटिंग करनी है, और उससे पहले एक चीज का ध्यान और रखें कि इसका जब कार्बोरेटर खोले तो इसका फिल्टर ओपन जरूर करना आपको। इसके फिल्टर में काफी टेस्ट है, इसको साफ करते हैं उसके बाद में कार्बोरेटर को फिट करेंगे इसके अंदर, और कार्बोरेटर को फिट करने से पहले जो इसका कार्बोरेटर का पिस्टन होता है इसको ड्राइड भी बोल देते हैं कई जगह, लेकिन कार्बोरेटर का पिस्टन इसको भी अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, क्योंकि इस पर भी ये आप देख पा रहे हैं ये कार्बन जमा होता है, तो ये भी साफ होना बहुत जरूरी है, जब भी कार्बोरेटर साफ करें इसको अच्छी तरह जरूर साफ कर लें। तो ये इसको साफ करके फिट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो इसमें हमने कार्बोरेटर सेट कर दिया है क्लीन करने के बाद में, और स्पार्क प्लग लगा दिया है, अब चाबी ऑन करके और इसमें किक मारेंगे, और कभी भी जब कार्बोरेटर साफ करना है तो उसके बाद में स्कूटी क्या होता है कि एक दो किक में स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल आता है जब हम किक मारते हैं या सेल्फ मारते हैं तो थोड़ी देर के बाद आता है पेट्रोल डी से, और कार्बोरेटर के अंदर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये एक साथ ही नहीं स्टार्ट होगी, हाँ उसके बाद में बिल्कुल स्टार्टिंग आपकी प्रॉपर बढ़िया हो जाएगी। तो अभी देखते हैं स्टार्ट करके और सेटिंग बताते हैं क्या करना है। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अब इसकी थोड़ी ट्यूनिंग करेंगे, थोड़ा पहले इसकी जो रेस है ना वो उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा बढ़ा के और थोड़ी देर के लिए स्टार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि बिल्कुल ठंडी गाड़ी पे गाड़ी सेट नहीं हो पाती है, थोड़ा इसको गर्म होने देंगे, हल्का सा इंजन गर्म हो जाएगा उसके बाद में इसको सेट करेंगे, फिर इसकी एवरेज और इसकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है उसकी सेटिंग कर देंगे। और हमने इसके एयर मिक्सर को सेट करना, जैसे रेल बढ़ा दी है हमने इसकी थोड़ी सी, और फिर इसको सेट करेंगे जहाँ भी सेटिंग मांगेगा, जहाँ इसकी रेस ज़्यादा होगी वहीं आपको रख के थोड़ा सा हल्का सा अगर स्टार्टिंग ठीक करें आप तो हल्का सा आधा थोड़ी एयर मिक्सचर जो होता है उसको टाइट कर देंगे, और उसके बाद में इसका जो एक्सीलेटर का स्क्रू है उसको सेट कर देंगे जहाँ पे वो बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए कभी भी,
आपकी गाड़ी अगर सुबह सुबह या कभी भी हमेशा अगर दिक्कत करती है स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। और एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए, कभी भी आप जैसे अगर सर्दियों में सुबह शाम या ज़्यादा टाइम के बाद अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपको चौक का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। ये चौक दिए इसमें, हर गाड़ी में चौक होती है, चौक हमेशा चालू रखनी चाहिए। तो चौक का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद में जब स्टार्ट करते टाइम अगर किक से कर रहे हैं या सेल्फ से कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसको रेस नहीं दें, हो सके तो बिल्कुल नहीं दें। बाकी गाड़ी अगर हल्की रेस मांगती है तो थोड़ी रेस दें, ज़्यादा रेस नहीं दें। अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग कभी भी परेशान नहीं करेगी आपको, गाड़ी हमेशा आपकी एक दो सेल्फ में या दो एक दो किक में स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी आपकी गाड़ी की समस्या है तो ये चीज़ें चेक करके और कार्बोरेटर को सेट कराएं किसी मैकेनिक भाई से जाके, तो आपकी गाड़ी की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।